मैं इंद्रभूषण शर्मा ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर के तरफ से हिंदी वर्ग अष्टम के लिए आया हूँ। पाठ एक ध्वनि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके कवि हैं। ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज, ध्वनि अर्थात आवाज, जो हम बोलते हैं वो ध्वनि। इस माध्यम से कवि कहता है कि मेरा अंत अभी होने वाला नहीं है। क्यों अंत होने वाला नहीं है? इसमें कई कारण देता है। वैसे हम अनंत के संतान हैं, हम अनंत के संतान हुए इसलिए हमारा अंत होने वाला नहीं है। क्योंकि अनंत के संतान हैं, अनंत से अंत कैसे होगा यह भी विचारने की बात है, इसलिए भी हमारा अंत अभी न होगा। लेकिन अभी न होगा मेरा अंत कहने का मतलब यह है कि अभी न होगा ऐसा नहीं है कि कभी न होगा, अभी न होगा, फिर कभी होगा, लेकिन अभी अंत होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, मेरे जीवन रूपी वन में मृदुल बसंत का आगमन अभी अभी हुआ है। चूंकि बसंत का आगमन अभी अभी हुआ है इसलिए अभी अंत होने वाला नहीं है। अभी अभी बसंत का आगमन हुआ इसकी पहचान है, इसकी पहचान है। बसंत का आगमन अभी अभी हुआ इसकी क्या पहचान है? मैं कहता हूं नहीं, अभी नहीं है हुआ, अभी हुआ ही नहीं बसंत का आगमन। लेकिन कभी कहता है कि नहीं, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, मृदुल बसंत का आगमन अभी अभी हुआ है। पहचान क्या है? हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, वृक्षों पर हरे हरे पत्ते डालियों पर लग गए हैं, डालियां हैं कोमल, पत्ते हैं कोमल और कलियां उससे फूट पड़ी हैं, उनका शरीर कोमल है। गात का मतलब कोमल होता है। हरे हरे पत्ते हैं, उनकी डालियां कोमल कोमल उनसे निकली हैं, कलियां उससे फूट पड़ी हैं। कली कहते हैं वैसे फूल जो खिलने के लिए तैयार है, वो कली। फूल खिलने के पहले की जो स्थिति है वही कली कहता है। तो उन कलियों, उन डालियों में कलियां निकल चुकी हैं, उनके अंग जो हैं कोमल हैं। फिर कली कहता है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर अपने हाथ, वे अभी स्वप्न में हैं क्योंकि निद्रित हैं, स्वप्न में हैं, खिलने वाले हैं, इसलिए अपने हाथ उन पर फेरता हूँ, अपने हाथ कोमलता से स्नेह से उन पर फेरता हूँ। फेर करके उन कलियों में जो वो सोए हुए हैं, जीव स्वप्न देख रहे हैं, उन्हें यह बता देता हूँ अब प्रभात का समय, सुबह का समय हो गया है, अब सोवो नहीं। कहने का मतलब अब कली मत रहो, अब फूल बन जाओ। जगा एक प्रत्यूष मनोहर उन्हें जगा दूंगा। प्रत्यूष का मतलब होता है सुबह, सवेरा, प्रभात का समय। पुष्प, पुष्प से पुष्प फूल, पुष्प का मतलब होता है फूल, फूल का एक पर्याय शब्द है पुष्प। तंद्रा आलस, तंद्रा आलस, निद्रा के बाद तंद्रा होता है, तो तंद्रा में आलस बना हुआ रहता है। हम सुनते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, कुछ जवाब देने का मन नहीं होता, तो तंद्रा आलस जो उनमें है उसे मैं खींच लूँगा, उनकी तंद्रा आलस को मैं दूर कर दूंगा, उनके बदन से हटा दूंगा और अपने नवजीवन का अमृत उनमें सींच दूंगा, अमृत दूंगा अपने नवजीवन का, हर्ष के साथ, सहर्ष अपने जीवन का अमृत
उन्हें हर्ष के साथ दूंगा और अमृत जब उन्हें मिलेगा तब उनमें जो तंद्रा रस जो छिपा हुआ है वह दूर होगा और वो खिलने के लिए आगे बढ़ेंगे और तब जब वो खिल जाएंगे तो द्वार दिखा दूंगा, फिर उनको है मेरे लिए जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा, फिर उन्हें अनंत का द्वार दिखा दूंगा। अनंत का द्वार, अनंत का मतलब जिसका अंत न हो, अंत किसका नहीं है, ईश्वर का अंत नहीं है, तो उस ईश्वर का द्वार दिखा दूंगा। ईश्वर कहाँ है, उनका द्वार क्या है, वहाँ जाने का, उनके यहाँ प्रवेश पाने का द्वार क्या है, मैं उसे दिखा दूंगा। इसलिए इतना काम बाकी है, इतना मुझे कुछ करना है, इसलिए अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। जब तक मैं ये सारे कार्य कर न लूँ तब तक मेरा अंत होगा कैसे, मैं इतना कुछ करने के लिए यहाँ आया हूँ और इसको बिना कुछ किए मैं यहाँ से चला कैसे जाऊँ, इसलिए मेरा अंत अभी होने वाला नहीं है। मेरा अंत तो तभी होगा जब मैं इतना कुछ कर लूँगा और ये अभी बाकी है, इसलिए मैं अभी अंत होने पर को प्राप्त नहीं हूँगा, मैं अभी अंत होने वाला मेरा अभी नहीं है। तो इसको आप लोग देखेंगे, इसमें प्रश्न जो हैं उसे आप देखेंगे और जहाँ कठिनाई होगी वहाँ आप सहायता देंगे। धन्यवाद।